नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम ममता चोट लगने के बावजूद व्हीलचेयर पर एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रही हैं। बुधवार को भी उन्होंने एक ऐसी ही जनसभा को संबोधित किया जहाँ उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। दीदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो मुफ्त कोविड वैक्सीन देंगे, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं, उन्होंने झूठ बोला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी और टीएमसी ने चुनावी रैलियों का दौर तेज कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी इन दिनों लगातार जनसभाएं कर रही हैं। बुधवार को उन्होंने बंगाल के झारग्राम से केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को वैक्सीन सप्लाई नहीं दे रही है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की पार्टी का घोषणा पत्र याद दिलाया जिसमें फ्री वैक्सीन देने का वादा किया गया था। सीएम ने पूछा कि क्या आज तक बिहार को फ्री वैक्सीन मिली। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मुझे जीवन में कई बार पीटा गया है। पहले सीपीएम मेरे साथ मारपीट करती थी और अब बीजेपी ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। हालांकि सीपीएम के लोग अब बीजेपी के लोग हो गए हैं। कुछ गद्दार लालची लोग भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होने हैं। पहले फेज के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी। इसके अलावा देश के अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव होने हैं। सभी प्रदेशों के नतीजे 1-7-2 मई को घोषित किए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।